तो मैं जा रही हूँ अब पड़ोस में। आज दीदी के यहाँ है भजन कीर्तन, तो उन्होंने सभी को बुलाया है, तो चलते हैं वहीं। अब आपसे मिलते हैं वहीं पहुँचने के बाद। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट डे अगले दिन से कर रही हूँ ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू। और बच्चे भी होने लग गए हैं स्कूल के लिए रेडी। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज 8 बजे से, 8 बज गया है। और आज है बच्चों का पेपर, दोनों बच्चों का आज से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बच्चे हो रहे हैं रेडी, ये नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई है। यहाँ पर है देव, यहाँ पर सारी बैग भी टांग गया अभी से ही है। आज काय का पेपर है? जीके, रीजनिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट। जीके, आर्ट एंड क्राफ्ट और रीजनिंग का। इधर को तो देख, और यहाँ पर है देव, इसका भी जीके का ही है। दोनों बच्चों का टॉफी अभी दूंगी, दे रही हूँ तो देती हूँ उनको टॉफी अभी देती हूँ। पहले बनाती हूँ नाश्ता, पहले टॉफी। चलो फिर पहले दे देती हूँ इनको टॉफी, फिर बनाती हूँ नाश्ता फटाफट। अभी आधा घंटा तो है। हाँ तो बच्चों को भी दे दी है टॉफी। और ये टॉफी कहाँ की है साहिल? विदेश, विदेश की। अर्जुन ने भेजा है तो थैंक यू नहीं बोल रहा है? थैंक यू बच्चा, ये देव विदेश की टॉफी। देखिए गाइस इतनी बड़ी चॉकलेट है ये, बच्चों के लिए भेजी है अर्जुन ने। तो थैंक यू देवर जी बच्चों के लिए अपना प्यार भेजने के लिए। हाँ तो सुबह सुबह आज मुँह मीठा पेपर है तो मुँह मीठा कर रहे हैं टॉफी से बच्चे। अच्छे से देना पेपर, तो मैं बना लेती हूँ फटाफट नाश्ता, फिर टाइम होता है। तो यहाँ पे बनने लग गया है नाश्ता। आज बना रही हूँ मैं आलू के परौठे, इतने बन भी चुके हैं। और साथ में कल का हलवा भी गर्म कर दिया है, बच्चे खाएंगे अब, खा के जाएंगे ये। तो दे देती हूँ बच्चों को नाश्ता। इनके बीच में टॉफी है, साहिल भी आ गया क्या? अब टॉफी यहाँ दिखा रहे इसमें डाला है, तो इनके लिए टिफिन भी कर देती हूँ रेडी और देती हूँ नाश्ता। जीतते रे बाबू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना है। जीतते रे बाबू है, कोई नहीं, ये तो अभी नाश्ता ही कर रहा है। अच्छे से देना पेपर, बेस्ट ऑफ लक। बच्चे चले गए स्कूल के लिए और बस तो अभी आई नहीं। आ मम्मी झाड़ रहे हैं रोड में, झाड़ू आ रोड चमकाने में है मम्मी वहाँ पे। बच्चे वहीं पर ले रहे हैं मम्मी से आशीर्वाद। तो चले गए बच्चे भी स्कूल। चिंटू क्या है, बैठ जा, तो कर लेते हैं अपना काम शुरू। का काम तो हो गया है कंप्लीट, अब करते हैं जानवरों का काम। बिगी बेरी सो रहे हैं, इतने गंदे हो रखे हैं बिगी के ये, तो इनको नहला देती हूँ। और हाँ मम्मी गए हैं तालाब में घास, आवाज लगा रहे हैं। जाती हूँ घास लेने तालाब में, अब फिर नहलाऊंगी जानवरों को। यहाँ पर से पकड़ लेती हूँ चुन्नी, ले गए नहीं ले गए तालाब में हमारे, तालाब में किनारे से छोटा छोटा दूब हुआ था वो काट के ला रहे हैं, पता नहीं आवाज़ लगा रहे हैं घास लेने आकर के। तो चलती हूँ आके करते हैं जानवर का काम। कि हमारी बरसिंग आजकल थोड़ी ऊपर को हरी हो रखी है, नहीं तो उधर को तो बड़ी नहीं रखी।
और यहाँ पर भी डाले हमने कंठे रास्ते में, सुबह का गोबर अभी डाला ही नहीं मैंने कंठे। तो चलते हैं तालाब में। ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं गेहूँ, बाली आ गई है, अब थोड़े दिन में होने वाले हैं पीले। गेहूँ पकने का टाइम भी आ रहा है, अप्रैल में तो हो ही जाते हैं। ये ऐसी बाली आ रखी है, ये देखिए गेहूँ की बाली। तो चलती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने एक गट्ठा काट के रख दिया है, अब और काट रहे हैं उधर को हैं। ये देखिए तालाब में पानी, अब तो थोड़ा ही रह गया है, नहीं तो पूरा यहाँ तक था ऊपर तक, अब ये नीचे ही दिख रहा है, किनारे किनारे हो रहा है छोटा छोटा घास। गर्मियों में सब पानी सूख जाएगा फिर होगा घास इसमें। हमारा तालाब ड्यूटीज का पेड़ एक दिन ये ढला था, घर ले जाना है। छोटी छोटी चेरी भी हुई है हमारे तालाब में, ये किनारे किनारे लगा रखी है, और ये लिप्टिस के पेड़। तो चलती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने बना दिया है एक पल्ली में घास, ये लेके जाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा ये सोले वाला घास हो रखा है, ये इधर को तो पानी ही है, इतना ही है बीच में। तो ले चलते हैं अब घास। यहाँ पर कचरा भी फेंक रखा है ये बहुत लोगों ने, ये किनारे, लेकिन जलाना चाहिए, शीशे हो तो कोई बात नहीं किनारे फेंका, लेकिन जो ये पन्नियाँ हैं कागज़ हैं ये कट्ठे हैं इनको तो जलाना ही चाहिए। ये देखिए ये मैंने लग गई हम घर को, ये पल्ली और एक गट्ठा जो मम्मी ने काटा था। मम्मी कह रहे हैं एक गट्ठा और बनाती हूँ तू चल करके, तो मैं आ गई अब, क्योंकि जानवरों का काम भी है खाना भी बनाना है, तो आ गई हूँ। और जो किनारे कचरा फेंका था मैंने आपको दिखाया था, वो कचरा ना जला लेना चाहिए, कागज हो गए इकट्ठे हो गए पल्लियाँ हो गई ना, कचरा तो जल जाने वाला हो, ऐसे तालाब में फेंक के अच्छा थोड़ी लगता है। सब उसमें घास, वहाँ घास भी काटने वाले, अब पानी सूखेगा तो सब वहाँ घास भी काटेंगे, और शीशे भी चुभ सकते हैं पाँव में। एक किनारे रख देना चाहिए, वो तालाब में किनारे तो है लेकिन थोड़ा आगे कोई फेंका है, एक किनारे में होना चाहिए ना, सभी लोग वहाँ पर जाते हैं घास काटने। तो मैं भी पहुँच गई हूँ घर, इस घास को रख के अब करती हूँ जानवरों का काम। ये देख रहे हैं घास तो बच्चे ही डालते हैं, इनको नहला लेती हूँ फिर बनाती हूँ खाना, खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। पहुँच गई घर, तो अब जानवरों को धो लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, सांख लग गई। तो जानवरों को भी नहला दिया है, नवाया धोया भर चमकी गया, और इसको तो दे दिया है थोड़ा सा घास, ये ऐसे खुला घास बड़ा अच्छे से खाता है ये। तो कर लेते हैं अब खाना पीना बनाने का काम, गुरुच्छन का काम तो होएगी, घास तो डलेंगे अब शाम को, बच्चे आते हैं बच्चे ही डलते हैं शाम के लिए है ये, दिन में डालने के लिए। खाना भी बन के हो गया तैयार, इसमें बन गया है भात और इसमें प्याज, अब पल्ले बना रखे हैं प्याज के पत्तों का बनाया है अपने सौड़े से ला के, प्याज के पत्ते ये देखिए ग्रीन। तो बंद कर देते हैं गैस, तो खा लेते हैं खाना, पहले वो भात, झोली भी कहते हैं कई लोग इसको, ये हमारी पहाड़ी डिश हुई। क्यों किस किस को ये पहाड़ी डिश देख के घर के खाने की याद आती है कमेंट में बताइएगा। तो खा लेते हैं खाना, ये भी आ गए हैं स्कूल से। पेपर कैसा गया साहिल? बहुत अच्छा। क्या करा जीके में? सब करा। कितने मार्क्स आने वाले हैं? 20 में से 20? 20 मार्क्स का है जीके का? क्या 100 का होगा? और ये जा रहा दिखा हाथ, स्कूल से आते ही चीज खाने की हो गई इसको, 10 रुपए लेके जा रहा है। कम होते हैं 10 रुपए? चीज लेने जाने लग गया, पेपर अच्छा गया, बल कल के बचे थे इसके 10 रुपए। और यहाँ पर देव से पूछते हैं, देव कैसा गया पेपर? अच्छा गया? सारे करे? कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? 30 से ऊपर? 40 का पेपर था। अच्छा, 30 से ऊपर खाली फोंके मार रहे हैं या आने वाले हैं? आएंगे? नहीं, वो है तुझे भरोसा है खुद पे कि मैं 30 से ऊपर लाऊंगा? अच्छा चलो देखते हैं फिर रिजल्ट बताएगा। क्यों
अगले पेपर की तैयारी करूँ। फिर अब खाना दे देती हूँ बच्चों को। मेरे को भी बात दिया गोट में, शाम का काम हो गया है कंप्लीट। ये गोठिया लेन गुरबचन गोठ है, तो अब खाना पीना बनाने का ही काम है और बना लेती हूँ आज तो अभी, क्योंकि बच्चे गए ट्यूशन। आएंगे तो बच्चे फिर सीधे करेंगे पढ़ाई, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो गए आज से। पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को, साल भर की मेहनत हुई ना। तो खाना बनाने की हो गई है तैयारी, रख दिया है सब्जी और सब्जी में बन रहे हैं तौड़े। ये मायके से आ रखे हैं आज, ये शिवरात्रि में जो हमने खाए थे वही तौड़े हैं आज भेजे मम्मी ने। पापा आए थे देखे गए, इसकी बन रही है आज सब्जी। किस किस को पसंद है तौड़े की सब्जी? ये पके हुए हैं थोड़े से, और साथ में आया है कुशला, ये खा भी दिया ये कुमड़े की मिठाई। दूसरी है, इतनी बची है। हेलो खा, चलो पढ़ाई भी करो अब, जल्द जल्द पढ़ाई, टाइम भी हो गया। चलो तो रख दिया मैंने आप, लेकिन खाना बनाऊंगी लेट, 7 बजे 8 बजे तक करेंगे ये लोग पढ़ाई, क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना। अब बरदेव भी बैठ गया है, मन लगा कि पढ़ाई करो 1 घंटा 8 बजे तक, फिर बनाऊंगी खाना, फिर खाओगे आज। लेट ही बनाती हूँ आज। क्यों नहीं भाई, थोड़ी देर 1 घंटा 1 घंटे में क्या होते हैं, 2 मैच पेपरों के टाइम में। मैंने 1 महीना आप थोड़ा इनका बंद कर रखा है खेलना, लेकिन संडे को 1 घंटा दे देती हूँ पेपर में। थोड़ा होते हैं ऐसे भी, साल भर की मेहनत का फल अब मिलने वाला है एग्जाम में। साल भर की मेहनत का जो तुमने मेहनत की है ना, तो थोड़ा अभी पेपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहिए ना। और कुमले की मिठाई खा रहा है, खाते खाते ऐसे बात कर रहे हैं, जो कि नानी गई थी वहाँ चक्करपुर शिवरात्रि के मेले, वहाँ से लाए। कल गए थे ना मम्मी शिवरात्रि के मेले, चक्करपुर में लग रखा है, वहीं से लाए थे। तो आज पापा आए थे देखे गए तौड़े और कुमले की मिठाई, और भी लाए थे कुछ, ये देखिए शिवरात्रि के मेले। तू पहनेगा चूड़ी? चूड़े फिट आते नहीं आते हैं, पता नहीं छोटे जैसे लग रहे हैं, पहन के देखूंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है सेट, मम्मी की पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू मम्मी, अच्छी है कि मम्मी को पसंद नहीं आती है। हाँ खाली बोल रहा है, बहुत सुंदर। बड़ी बड़ी चीज भेजती है हर बार, ये जो बड़ी हो जाती है। देखिए छोटी, ये देखिए मेहरून कलर में है ये चूड़े का सेट, और साथ में भेजे हैं। बड़ी होगी छोटी नहीं होगी, नानी बड़ी साइज की। देखिए मेले से लाए हैं, शिवरात्रि में लगा ना चक्करपुर मेला, वहाँ से मैं भी जाने वाला था। आप लोग कौन कौन गए मेले में? मैं भी जाता, आप पेपर चल रहे हैं, जाता पेपर चल रहे हैं ना। तो बच्चों को कराती हूँ पढ़ाई 1 घंटा, थोड़ा ध्यान इसमें मेरे फोन पकड़ूंगी तो इसी में होगा इनका ध्यान। तो आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक कमेंट शेयर, और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, सब्सक्राइब करना ना भूलें जो इस वीडियो में नए हैं। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय।